हाय एवरीवन, तो यार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फर्स्ट राउंड की कट ऑफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हो एंड आप खुद से सेकेंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल सकते हो। तो ये 100% करेक्ट नहीं होगा, बट माइट भी 50-60% तो करेक्ट होगा ही। आपको एवरेज पे पता चल जाएगा कि आपकी चांस हाई है या फिर लो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप चेक कैसे करोगे। उसके लिए आपको ये PDF डाउनलोड करना होगा। तो आप DSU.ac.in पे जाके वहाँ से आपको आगे में ही शो हो जाएगा कट ऑफ रैंक बेस्ड ऑन कम्बाइंड रैंक आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट। तो उसी पे आपको क्लिक करके एंड उसे डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोर्स टाइप देखना है, लाइक आप अगर फुल टाइम डिप्लोमा या फिर पार्ट टाइम डिप्लोमा और अंडर ग्रेजुएट कोर्स किसी के लिए आपने अप्लाई किया है। देन आप रीजन देखोगे कि आप यहाँ दिल्ली या फिर आउटसाइड दिल्ली से बिलोंग करते हो। एंड उसके बाद आप कैंपस एंड कोर्स देखोगे कि किस कोर्स एंड कैंपस के लिए आपने प्रेफरेंस फिल किया था। एंड ऑलराइट, आई होप आप सब समझ रहे होंगे एंड समझ आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से मैंने फुल टाइम डिप्लोमा एक्सेप्ट फार्मेसी के लिए फिल किया। तो अगर मैं अभी दिल्ली से होता तो डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर के लिए मुझे 9395 कम्बाइंड रैंक होनी चाहिए एंड कैटेगरी रैंक 112 के आसपास होनी चाहिए, तभी मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होती। वहीं पर अगर मैं आउटसाइड दिल्ली से होता तो सेम कैंपस प्लस कोर्स के लिए मुझे 4279 कम्बाइंड रैंक एंड कैटेगरी रैंक 67 के आसपास मुझे लाना होता। तो देख सकती हो, अगर आप इनसाइड दिल्ली से हो तो ऐसे ही आपकी चांस ज़्यादा है एंड ऐसे ही आप अपनी कैंपस कोर्स रीजन कैटेगरी रैंक एंड कम्बाइंड रैंक के साथ मैच कर सकते। अगर आपकी रैंक उसके आसपास है तो चांसेस आर हाई कि आपको सेकेंड राउंड में ही कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एंड अगर सेकेंड राउंड में नहीं हो पाता है तो थर्ड राउंड भी है, तो उसकी भी कट ऑफ आएगी। तो मैं उसमें भी आपको बता दूंगा कि आप कैसे चेक कर सकती हो। तो सेम अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई किया था तो आप सबसे पहले अपनी रीजन चेक करोगे एंड रीजन चेक करने के बाद अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हो तो आप आउटसाइड दिल्ली की चेक करोगे कि उसकी BBA या फिर जितने भी अलग अलग कोर्स है BCom BSc उस सब की चेक करोगे एंड उसके बाद आप अपनी रैंक चेक करोगे। अगर आपकी रैंक उसके आसपास होगी तो आपके भी चांसेस है कि आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा एंड ऐसे आप लोग खुद भी चेक कर सकती हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कोई भी कमेंट डाउट है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।